दुनिया के सामने तेजस मार्क टू और एमके के इंजन डिमांड कर रहा भारत, लेकिन भारत का जबरदस्त कूटनीतिक गेम दुनिया में कोई नहीं समझ पाया। एमका और तेजस टू को तो छोड़िए, नेक्स्ट जनरेशन की तकनीक की तरफ भारत, पांचवी नहीं छठी पीढ़ी के योद्धा की टेक्नोलॉजी हासिल कर रहा भारत। दोस्तों, भारत इस साल की शुरुआत से ही तेजस मार्क टू और एमका फाइटर जेट्स के लिए बेहतर इंजन की तलाश शुरू कर चुका था। जैसे ही भारत ने इसका टेंडर निकाला, दुनिया की तमाम फाइटर जेट इंजन तैयार करने वाली कंपनियां भारत के साथ संपर्क करने लगी। ब्रिटेन की रोल्स रॉयस और फ्रांस की सेफ्रॉन कंपनी, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन इंजन बनाती है, तो वहीं अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक, जो पांचवी पीढ़ी के विमानों के लिए इंजन बनाती है। ये तमाम कंपनियां भारत को एमका और तेजस के लिए इंजन देने के लिए तैयार हो गई। लेकिन सवाल है कि क्या भारत को सिर्फ इंजन ही चाहिए था? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, बल्कि भारत अपनी हवाई ताकत को बढ़ाना चाहता था। भारत चाहता था कि उसके पास पांचवी प्लस जनरेशन के विमान मौजूद हो। यही कारण है कि भारत ऐसे देश की तलाश में है जो उसे न केवल इंजन बल्कि पांचवी या छठी पीढ़ी के विमान की तकनीक भी दे और उसमें वो मदद भी करे। यही कारण है कि भारत अमेरिका के साथ GF414 इंजन, जिसकी थ्रस्ट पावर 98 किलोन्यूट्रॉन है, उस पर डील करने के बाद भी ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों की तरफ भी देख रहा है। यूं कह लीजिए कि भारत इस तकनीक को पाने के लिए एक कूटनीतिक गेम खेल रहा है, जिसे समझ पाने में अब तक सारे देश फेल साबित हो रहे थे। लेकिन अब फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, ये देश जान चुके हैं कि भारत क्या चाहता है। यही कारण है कि इस वक्त जब भारत अमेरिका में क्वाड मीटिंग में हिस्सा ले चुका है और अमेरिका ने भारत के सेमीकंडक्टर प्लांट में अपनी स्पेस फोर्स के रूप में मदद देने का वादा किया है, तो उसके ठीक बाद फ्रांस और जर्मनी ने भारत की मांगों पर तत्काल काम करते हुए ऑफर्स की बौछार कर दी है। ये देश न केवल भारत को 100 किलोवाट पावर से ज्यादा का इंजन देने का वादा कर रहे हैं, बल्कि उसके साथ ही पांचवी और छठी पीढ़ी तक के योद्धा को भी ऑफर कर रहे हैं, जिसमें फ्रांस का सुपर राफेल F5 पांचवी प्लस पीढ़ी के विमान के रूप में शामिल है, तो वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन, इटली और जापान के द्वारा संयुक्त रूप से बनाया जा रहा छठी पीढ़ी का टेम्पेस्ट भारत को ऑफर किया जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि ये लड़ाका अगले ही साल यानी 2025 में उड़ान भरता हुआ नजर आएगा। चलिए जानते हैं कि भारत अगर इन दोनों विमानों में से कोई एक लेता है तो भारत के लिए कितना फायदेमंद होगा, कितनी इनकी ताकत है, सब कुछ जानते हैं तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। 2025 में ही उतर जाएगा छठी पीढ़ी का विमान टेम्पेस्ट। तीन देशों ने भारत के सामने रखा शानदार ऑफर। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं टेम्पेस्ट की, जिसे ब्रिटेन, इटली और जापान मिलकर संयुक्त रूप से बना रहे हैं, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि ये विमान दुनिया का सबसे पावरफुल फाइटर जेट होगा। इस फाइटर जेट का नाम होगा टेम्पेस्ट। 2025 तक यह उड़ान भरता हुआ नजर आएगा और दुश्मन देशों के लिए बड़ी मुश्किल बन सकता है। अब ये विमान अपने आप में बेहद खास है। ये विमान कुछ ऐसा कि इसे एक पायलट रिमोट से ही कंट्रोल कर लेगा, जिसमें फिजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं होंगे। रडार इतना पावरफुल हो कि जंग जीतना आसान हो जाएगा। टेम्पेस्ट में खूबियां ही खूबियां नजर आएंगी। इसे पायलट वर्चुअल रियलिटी हेडसेट से ऑपरेट कर सकेंगे, यानी एक रिमोट के जरिए ही वो इसे उड़ा सकेंगे। इसमें फिजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं होंगे। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि यह दुनिया का सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट होगा। इस सुपरसोनिक जेट का रडार इतना पावरफुल होगा कि वर्तमान जेट के मुकाबले रियल टाइम में 10 गुना अधिक जानकारी और डाटा उपलब्ध करा सकेगा। यह जंग जीतने में बड़ा रोल अदा करेगा। द नेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक इसके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर काफी अपग्रेड होंगे। मिशन के हिसाब से इसमें बदलाव किया जा सकेगा। पायलट इसे वर्चुअल रियलिटी हेडसेट से ऑन परेड कर सकेंगे। यही वजह है कि यह इतिहास का सबसे हाईटेक फाइटर जेट होगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह हाइपरसोनिक हथियारों से लैस होगा, जिससे दुश्मन को आसानी से टारगेट किया जा सकेगा। तीनों देशों की पार्टनरशिप को ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम GCAAP नाम दिया गया है। इस हाईटेक फाइटर जेट को जापान की मित्सुबिशी हैवी, ब्रिटेन का BAE सिस्टम और इटली की लियोनार्डो कंपनी मिलकर तैयार कर रही है। अब बात करते हैं कि आखिर इन देशों को इतना ज्यादा घातक विमान बनाने की नौबत ही क्यों आई। तो आपको बता दें कि इटली, ब्रिटेन और जापान ने मिलकर अपने दुश्मन देशों पर नजर रखने के लिए इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है। ये देश मिलकर हाईटेक जेट की मदद से रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया पर नजर रखना चाहते हैं। ब्रिटेन को इसका हेडक्वार्टर बनाया जाएगा,
और इसका नेतृत्व जापान के अधिकारी करेंगे। इसमें इटली के अधिकारियों की भी अहम भूमिका होगी। अब आपको ये बता दें, ये तीनों ही देश भारत को इस विमान को भारत को ऑफर कर चुके हैं। हालांकि भारत ने अभी तक इसमें कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन जिस तरह से भारत इटली और जापान के करीब जा रहा है, हो सकता है भारत इस प्रोजेक्ट में शामिल हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो भारत एशिया का सुपर पावर कंट्री बन जाएगा, जिससे टक्कर चीन 7 जन्म लेकर भी नहीं पा पाएगा। फ्रांस में डोभाल और मैक्रोने की सीक्रेट मीटिंग। मरीन राफेल आया, अब सुपर राफेल की बारी। दोस्तों, भारत ने अमेरिका के साथ ऐतिहासिक सेमीकंडक्टर प्लांट की डील कर फ्रांस अमेरिका की दुश्मनी को और ज्यादा हवा दे डाली है, जिससे अब खुद फ्रांस भी चाहता है कि भारत उसके साथ डील करें। और भारत पहले ही फ्रांस के साथ एमका और तेजस 2 के लिए इंजन के लिए टेंडर जारी कर चुका है। तो ऐसे में अब मौके पर चौका मारते हुए फ्रांस ने भारत की सभी मांगे मानने का ऐलान कर दिया है, और बातचीत के लिए भारत की एक टीम हाल ही में फ्रांस गई थी, जहां पर भारत के एनएसए अजीत डोवाल ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैंक्रो से मुलाकात की थी, जहां पर फ्रांस भारत को भारत की शर्तों के मुताबिक मरीन राफेल विमान दिए जाएंगे। वहीं संभावना है कि फ्रांस ही भारत को 110 केएन थ्रस्ट पावर वाला इंजन दे सकता है। यहां पर कहा जा रहा है कि भारत फ्रांस के साथ सुपर राफेल की डील पर भी बात कर सकता है, जो 5वीं पल्स जनरेशन का योद्धा है। आप सवाल करेंगे, जब भारत को टेम्पेस्ट जो 6ठी पीढ़ी का योद्धा है वो मिल रहा है, तो भारत सुपर राफेल के पीछे क्यों पड़ा है? तो यहाँ पर आपको ये बता दें कि राफेल एक टेस्टेड सुपर फाइटर जेट है। इसने सीरिया वॉर में अपनी काबिलियत का जिस तरह से लोहा मनवाया है, उसने पूरी दुनिया को देखा है। इस फाइटर जेट ने अपनी वायुसेना को एक भी बार निराश नहीं किया है, जबकि वो F4 कैटेगरी का विमान था। जबकि हम जिस सुपर राफेल की बात कर रहे हैं, वो F5 यानी इसका भी बाप होने वाला है। इस विमान को फ्रांस की हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइलों ASN4G से लैस किया जा रहा है, जो इसकी ताकत को बेतहाशा बढ़ा देगा। इसमें ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जो आज तक दुनिया के किसी भी विमान में मौजूद नहीं है। ये सेल्फ डिफेंस सिस्टम के साथ ज्वाइंट जैमिंग रडार से लैस होकर अपने लिए युद्ध के मैदान में एक प्रोटेक्टिव वॉल भी बना सकता है। ऐसे में दुश्मन की एयर डिफेंस मिसाइलें इस लड़ाकू विमान के आसपास भी नहीं आ सकती हैं। ऐसे आप खुद सोचिए, ये विमान कितना ज्यादा खतरनाक होगा। ऐसे में भारत चाहता है कि वो सुपर राफेल की डील फिक्स करे, अगर फ्रांस भारत की बताई कीमतों पर गौर करता है तो। वैसे आपको क्या लगा है, भारत को अपनी वायुसेना के लिए कौन सा विमान लेना चाहिए, 6ठी पीढ़ी का टेम्पेस्ट या फिर 5वीं प्लस जनरेशन का सुपर राफेल F5? जो भी आपको विचार हो, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।